राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लगता है तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, नेहल नगर पुलिस स्टेशन के सामने मालेगांव। मालेगांव शहर की नुमाइंदगी करेगा और महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करेगा। महाराष्ट्र के अंदर रामायण के दो एमएलए चुनकर आए, एक मालेगांव से, एक धुल्ले से। आपने क्या 5 साल के अंदर कभी जायजा लिया क्या आपके एमएलए जिन्होंने आपने जिसको वोट दिया वो 5 साल में आपकी नुमाइंदगी किया या नहीं किया? क्या आपने कभी फैसला किया? क्या कभी आपने सोचा? क्या कभी आपने देखा कि क्या मकसद से, क्या जिम्मेदारी आपने वहां सौंपी थी? क्या आपने कभी इसका जायजा लिया? आज वक्त आ गया है कि आपको जायजा लेना पड़ेगा दोस्तों। अगर कोई एक एमएलए चुनकर आता तो उसकी यह जिम्मेदारी नहीं होती कि वो उसकी शहर की स्त्री को नुमाइंदगी कर सकता। उसकी यह नुमाइंदगी, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर महाराष्ट्र के मुसलमानों के साथ कहीं भी अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई ताकतें जुल्म कर रही है तो कोई भी मुसलमान एमएलए या कोई भी हिंदू भाई एमएलए खड़े रह के महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर बोल सकता है, आवाज उठा सकता है। क्या एक मर्तबा भी आपके लिए आवाज उठाई गई क्या? क्या ये महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई गई क्या? आप कुछ सोचिए, समझिए और फैसला कीजिए, फैसला करिए। आपको क्या हुआ इन 5 सालों में मुझे बताइए। मैं किसी के जात के धर्म के महापुरुषों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बोलना इसलिए पड़ता है कि अगर कौम के नाम पर, मिल्लत के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर अगर मजहब की दुआई देकर अगर आपने वोट ली तो आपके ऊपर हमारा जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों से सवाल करना चाहिए। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रख दिया गया, रखा गया कि नहीं? क्या हमारे शहर के एमएलए साहब ने महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर आवाज उठाने का काम किया था? मैं आपसे सवाल करता हूं, संभाजी नगर रख दिया गया, आवाज उठी नहीं उठी? इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? ये वही महाराष्ट्र है, ये वही औरंगाबाद शहर है जहां से एमआईएम का एक खासदार भी चुनकर गया, एमआईएम का एक एमएलए भी 2014 में चुनकर आया। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर ये आवाज उठाते कि क्यों औरंगाबाद का नाम तब्दील किया जा रहा है? इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने आवाज नहीं उठाया दोस्तों। उस्मानाबाद, उस्मानाबाद जिला जो हम बोला करते थे, उस्मानाबाद का नाम भी इसी 5 सालों के अंदर बदलने का काम किया गया। धाराशिव नाम रख दिया गया उस्मानाबाद का। क्या यह महाराष्ट्र के अंदर दो एमएलए चुनकर आए, क्या हमारे शहर के एमएलए ने वहां पर आवाज उठाने का काम किया क्या? क्या कभी आपने यह सोचा? कभी आपने नहीं सोचा दोस्तों। आज अहमदनगर का नाम, आज अहमदनगर का नाम तब्दील कर दिया गया, अहिल्याबाई होलकर के नाम से नाम रख दिया गया। क्या हमारे शहर के एमएलए या जितने भी महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान एमएलए थे
ये नौजवान आपको सोचना है, ये शहर के आवाम को सोचना है, किस लिए आपने वोट दिया, किस लिए आपने वोट दिया बताइए मुझे। इन 5 सालों के अंदर क्या हुआ? हमारे हुजूर की शान में खुशकाकी हुई, रामगिरी महाराज ने हमारे हुजूर की शान में खुशकाकी की, ये सिर को जाकर शहीदों की यादगार के पास इत्तेजाज दर्ज करने का काम किए, आज कर रहे वो लोग, आज आदिवासी भाई जितने एमएलए महाराष्ट्र के अंदर उनके समाज के ऊपर उनका आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही थी, आज पूरे महाराष्ट्र के और आदिवासी आमदारों ने एमएलए लोगों ने मंत्रालय के ऊपर से जाली के ऊपर छलांग मार दी, वह इत्तेजाज किया क्योंकि उनके समाज के ऊपर बात आई कि हमारे शहर के एमएलए मुंबई जाकर के हमने कभी इत्तेजाज किया क्या, मुख्यमंत्री के सामने बैठे क्या, क्या वहां पर आजाद मैदान में धरना दिए क्या? इसका जवाब कौन पूछे, कौन पूछे? नीतीश राणे जो बीजेपी का एमएलए, उसने क्या किया? मालेगांव शहर के अंदर आता है, मालेगांव शहर के अंदर आता है, किले के ऊपर चला जाता है, किले के ऊपर उसकी इतनी हिम्मत और ताकत हो गई और किले की तरफ बस्ती के ऊपर नजर डालकर उंगली बताकर ये बोलता है कि यह बस्ती कमिश्नर बाजू में है और उसके ऊपर कमिश्नर उसका सत्कार करता, इस्तेमाल करता, उसको बोलता तेरे पास बुलडोजर नहीं होगा तो मैं बुलडोजर लाकर तोड़ डालता हूं ये बस्ती को। किसके राज में इन 5 सालों के अंदर हुआ ये? क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी आपने समझा, क्या आप हिसाब नहीं लोगे? क्या हुआ हमारे शहर के अंदर? गण की यात्रा का मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं पहले ही बोलता हूं कि मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हूं, किसी के धर्म के खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन गण की यात्रा के ऊपर ये 5 सालों के अंदर क्या हुआ मुझे बताइए। यही मंत्री दादा भूसे साहब, इनका लड़का आविष्कार भूसे, इनके कार्यकर्ताओं ने दरे गांव के पास में 5,000-10,000 लोगों का मजमा लगाकर कल की यात्रा को रमजान महीने के अंदर लेकर गए शहर से। तरावी की नमाज चल रही है, अफ्तार का वक्त हो रहा है, नंगा नाच करते गए, क्या एमएलए ने एक मुजम्मत की या धरना दिया या इनके खिलाफ मेमोरेंडम दिया क्या? ये फैसला आपको करना है। कभी ऐसा नहीं हुआ, 2 सालों से ऐसा हुआ, कब आप सवाल करोगे? ये शहर के अंदर हुआ, ये शहर के अंदर हुआ दोस्तों। आज और साधु नरसिंह नंद ने आज हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी किया, वो नालायक ने, वो ढोंगी ने, मैं मुजम्मत करता हूं। मुझे बताओ कभी महाराष्ट्र के अंदर हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी होगी? कभी यूपी के अंदर गुस्ताखी होगी? कभी महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के अंदर गुस्ताखी होगी? तो इसका जवाब कौन देगा, कौन देगा जवाब? ये जवाब देने की जिम्मेदारी ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, या पार्लियामेंट के अंदर इसका जवाब दिया जाना चाहिए, या असेंबली के अंदर जवाब दिया जाना चाहिए। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं मुल्क महाराष्ट्र के, हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है, मस्जिदों में घुसकर मारने की बात की जा रही है। अब यह फैसला आपको करना है कि आने वाले दिनों के अंदर इस शहर का एमएलए कैसा चाहिए आपको। 5 साल आपने देखा, 5 साल आपने देखा,
ये नाकाम सबसे साबित मैं मुफ्ती इस्माइल साहब एक आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब अगर आपको अगर ये ऐसे हराम के पिल्ले अगर हमारी हुजूर की शान में गुस्सा भी करेंगे, मस्जिद में घुसने की बात करेंगे, मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग करेंगे, मुसलमानों को मारने का काम करेंगे, लाहौर जिहाद और लैंड जिहाद की बात करेंगे, तो कैसा एमएलए आपको चाहिए आप फैसला करो। मैं तैयार हूं, अगर मारने की बात की ऐसा खुदा की महाराज के संपली के अंदर ये शेख आसिफ हाथ छोड़ने भी कैसे आपके साथ दे सकते,
कैसे शहर के नौजवानों का साथ दे सकते हैं मुझे बताओ, मेरा सवाल है। आपको सोचना है नौजवानों, आपको फैसला करना है, ये शहर को फैसला करना है, शहर की मां बहनों को फैसला करना है जो मुसल्ले पर बैठकर फिलिस्तीन के हिमायत के अंदर फिलिस्तीन के मासूमों के लिए दुआएं करती है। उस मां बहनों को सोचना है, वो बुजुर्गों को सोचना है जो ताजू पे उठकर फिलिस्तीन के लिए दुआएं करते हैं, मस्जिद अक्सा के लिए दुआएं करते हैं, उनको सोचना है। अगर एक झंडा लेकर एक नौजवान के साथ नहीं खड़े रह सकते शहर के मेरे उसकी हिमायत में नहीं बोल सकते तो तुम्हारे लिए क्या खड़े रहेंगे, सवाल तुम्हारे सामने है शहर के नौजवान। ऐसा आपको करना बोल दिया उन्होंने, मुझे बताओ पारा नौ पर कम से कम 100 से ज्यादा नौजवान जेल में, 100 से ज्यादा नौजवान गए, किसके लिए जुलूस निकला था? शहर बंद किसके लिए था? किसके लिए था? अरे हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, शहर बंद, अरे भीख मांगने वाला भी रास्ते पे नहीं था। एहतियाती तौर पर मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे थे, जो भी हालात बने, जो भी फतराव हुआ, जो भी वहां पर पुलिस और पब्लिक में झगड़ा हुआ उसकी इंक्वायरी चल रही, उसमें कुछ बोलना नहीं है, लेकिन उससे भी मीडिया वालों ने सवाल किया, मैंने क्या जवाब दिया कि बाहर के लोगों ने आके पथराव किया पुलिस पर, सारा हॉस्पिटल पर। ये शेख आसिफ ने बयान दिया था कि बाहर के लोग आए थे, हमारे गांव के नहीं थे। मैं तो शादी कर रहा हमारे शहर के एमएलए ने क्या बोला, शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवान, एक पार्टी के नौजवान, अच्छू लसन वाला एक पार्टी का जिम्मेदार, बोले नशा कुत्ता गोली खिलाकर वहां पर प्लानिंग के साथ वहां पर बोले पत्थर रखे गए थे ब्रिज के नीचे और एक प्लानिंग के साथ ये 12 नवंबर की घटना की गई, बोले इस तरीके का बयान इस शहर के एमएलए ने लोकल मीडिया पे नहीं इंडिया टीवी के ऊपर रजत शर्मा के चैनल के ऊपर इंटरव्यू किया गया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे शहर के नौजवानों को बदनाम करने का काम किया गया और वो जेलों के अंदर गए, एक एक साल जमानत नहीं हुई, हमारे नौजवानों को फंसा दिया, बदनाम करके कुत्ता गोली का भी बात फंसाने का काम किया, पुलिस को जगह दी कि घुसो चालो निकालो इनको जेल में जुल्म करो, इस तरीके का एमएलए, ये एमएलए, ये नुमाइंदा, ये शहर को चाहिए, ये शहर के नौजवानों को चाहिए, ये फैसला अब आप लोगों को करना है। 12 नवंबर में भी अल्लाह का करम है कि 5 लाख से ज्यादा रुपया मैंने कई नौजवानों को छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट तक गया और छुड़ा के लाया, लेकिन मुझे पूछ लिया मदद की और करता रहूंगा, लेकिन आपको कैसा एमएलए चाहिए जो आपके लिए खड़े नहीं होता, ऐसा एमएलए नहीं चाहिए कि सर्वे नंबर 10 से गली के अंदर से भाग जाने वाला एमएलए नहीं चाहिए, अब ये शहर को नहीं चाहिए, ये फैसला आप लोगों को करना, आप लोगों को यह फैसला करना पड़ेगा। शहर की आवाम से मेरा सवाल है कि आप सवाल पूछो, नौजवान सवाल पूछो, आपको बुजदिल बनाने का काम किया गया, आपको डराने का काम किया गया और फिरका पुरुष हमारे शहर पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुके हैं, ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुझे बताओ कौम के नाम पर, मिल्लत के नाम पर मुसलमानों की दुआएं देकर 19 के अंदर आपसे वोट ली गई, ली गई, क्या किया आज के एमएलए साहब ने,
असेंबली के अंदर गए। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा जवाब दो कि 5 साल आप शिवसेना और बीजेपी के लोगों को एमएलसी के अंदर, राज्यसभा के अंदर आपने करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर बीजेपी और शिवसेना के लोगों को छूनकर देने का काम आपने वहां पर जाकर किया महाराज के असेंबली के अंदर। आप जवाब दो मुफ्ती इस्माइल साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। इस शहर के आवाम को करोड़ों रुपया लिया गया, या तो बताओ कि पहले मैंने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया, बताओ कि मैंने राष्ट्रवादी के उम्मीदवार को वोट दिया, सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को दिया, उसका नाम बता दो। वो वीडियो भी अभी आपको बताई जाए, आपको अरे आपको भेज डाला गया, आपके वोटों का सौदा कर दिया गया। वहां पर शिंदे साहब आज के मुख्यमंत्री के साथ में जब ये चून कर आए तो 6 दिन ये सरकारी गेस्ट हाउस में वहां पर थे वर्ली के अंदर, और 1 दिन थाना के एक होटल के अंदर ये थे। ये शिवसेना वाले इनको संभाल रहे थे, और आप कौन के नाम पर, मिल्लत के नाम पर आपकी वोट ले जाकर वहां बेचने का काम इन्होंने 5 साल के अंदर किया। इसका जवाब मुफ्ती इस्माइल साहब आपको देना पड़ेगा। आपको आपने शहर का उनका सौदा किया, यहां के मुसलमानों का सौदा किया, मां बहनों के जज्बात से खेलने का काम किया, नौजवानों के जज्बात से खेलने का काम किया मुफ्ती इस्माइल साहब। आपने आपको इसका जवाब आपको देना पड़ेगा शहर की आवाम को। आप छूट नहीं सकते मुफ्ती इस्माइल साहब। आपको जब हिसाब देने का वक्त आया, हिसाब देने का वक्त आ रहा है, बस 10-15 दिन के अंदर आचार संहिता लगेगी, तो आपने क्या किया? आपने मेरे जैसा हमारे साथियों की तरह ऐसा जलसा लेना चाहिए था, आपने 5 साल का हिसाब देना था कि मैंने ये तामीरी काम किया, वो तामीरी काम किया, ये मैंने तीर मारा, ये मैंने बंदूक मारा, ये बताना था ये तोप मारा। तुमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। मुफ्ती इस्माइल साहब, मैं ईमानदाराना अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर एक बात कहता हूं, देखो मुझे अल्लाह से मैं बहुत डरता हूं, और अल्लाह से डरना चाहिए बंदों से नहीं। मैं जहां पर मैं तबलीगी जमात की इज्जत करता हूं, मैं जमीयतुल उलमा की इज्जत करता हूं, मैं सुन्नी जमात की इज्जत करता हूं, मैं अहले हदीस जमात की इज्जत करता हूं, मैं तमाम ही मसलक कर बहुत इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, उलमाओं की बहुत इज्जत करता हूं करता रहूंगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और मुझे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं मुफ्ती इस्माइल साहब। अभी वीडियो ये नौजवान जो उस वक्त 15 साल के थे, 14 साल के थे, अल्लाह का करम आज 20 साल के बैठे, वो वीडियो देखेंगे, वो वीडियो देखेंगे। ये शेख आसिफ जब 14 में छून कर आया, और जब पहला इजलास असेंबली का नागपुर के अंदर था, आरएसएस के हेडक्वार्टर के अंदर इजलास था, आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर के अंदर असेंबली का, आशीष शेलार जो बांद्रा से एमएलए है बीजेपी का, उसने जमीयतुल उलमा के ऊपर पाबंदी की बात की थी। मुफ्ती इस्माइल साहब आप उस वक्त भी सदर थे, मेरी दुआ है मुफ्ती इस्माइल साहब आप जमीयतुल उलमा के ताहयात सदर रहे, लेकिन ये जमहूरी मुल्क है, ये शहर के आवाम ताहयात एमएलए नहीं रखने वाली, ये जमहूरी मुल्क है। 5 साल आप हमेशा ताहयात एमएलए नहीं रहेंगे मुफ्ती साहब। मैं चुन कर गया, आशीष शेलार ने जमीयतुल उलमा के ऊपर पाबंदी की बात की, और क्या कहा था कि जमीयतुल उलमा बम ब्लास्ट के आरोपी लोगों की जो मुजरिम होते हैं उनकी जमानत करवाती है, इस तरीके का इल्जाम लगाया, और उनके ऊपर बहुत खराब इल्जाम जमीयत को उस वक्त लगाया गया था। अल्लाह का करम है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर उस वक्त 2014 के अंदर जितने भी एमएलए चुनकर आए थे, अल्लाह का करम है कि शेख आसिफ ये मालेगांव का सपूत था, ये मालेगांव का लड़का था, इस
मिट्टी का था कि वहां पर जमीयत की बाजू मांगने का काम, जमीयत के बाजू से मांगने का काम जैसे आपने किया था, दलील दिया था, दलील मजबूत दलील दिया था। पाबंदी की बात आई तो मैंने वहां पर लड़ा और अल्लाह का करम है मुफ्ती इस्माइल साहब, अगर आपकी याददाश्त अगर अच्छी नहीं होगी तो जाके महाराज जी की जमीयतुल उलमा जो गुलजार आजमी साहब है उनके साथी आज भी है दुनिया में, उनसे जाकर पूछना कि आपने इस्तेमाल किया था कि नहीं किया, शेख आसिफ का इस्तेमाल किया था कि नहीं, ये जाकर आप पूछना मुफ्ती इस्माइल साहब। क्या सबूत देने की बात कर रहे हैं आप? जमीयतुल उलमा की मैं इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। मैं तो यहाँ के जमीयतुल उलमा के उनके जो साथी है, जो अहदेदारान है, उनका भी बहुत एहतराम इज्जत करता हूँ। मैं उनसे अपील करता हूँ कि मुफ्ती इस्माइल साहब अपनी चेयर बचाने के लिए आप कब इस्तेमाल कर रहे, आप भी जरा इस्लाह कर लीजिए। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, आप बोलिए, मुझे मालूम है मालिक शेख बकरा, मैं उनकी बहुत इज्जत करता और करता रहूंगा। आप मालिक शेख बकरा साहब, आपने कहा आपकी जमीयत की मीटिंग में कि बिलखोड़ी की जबान काट ली जाएगी, बिलखोड़ी की जबान काट ली जाएगी, आपने बोला मालिक से, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, अल्लाह आपको और तौफीक दे, मैं आपकी इज्जत करता रहूंगा मालिक से। लेकिन इतना कह दो कि तुम किस रास्ते पे शहर को लेकर जा रहे हो, किस रास्ते पर लेकर जा रहे हो, या आप इसला कर लो, मत आप जमीयत के, आप जमीयत की आग में छुपे मत मुफ्ती इस्माइल साहब। आप ये शहर में, आप तो जमीयत के नाम पर 5 साल पहले वोट नहीं दिया था, आपको एमआईएम के नाम पर वोट दिया था। आपको ये शहर के अंदर विकास बताना पड़ेगा, सोलर बताना पड़ेगा, जमीयत के नाम पर आप नहीं छूट सकते मुफ्ती इस्माइल साहब, जमीयत के नाम पर आप नहीं छूट सकते मुफ्ती साहब, आपको इस शहर को जवाब देना पड़ेगा। मैं इज्जत करता था करता रहूंगा, अगर मेरे भाई से या मेरे परिवार से या मेरे चाहने वालों से अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं अल्लाह वास्ते आपसे भी माफी मांगता और महाराष्ट्र की जमीयत से भी माफी मांगता, लेकिन आप इस तरीके से राजकरण, गंदा राजकरण करोगे ये मुझे अपेक्षा नहीं थी मुफ्ती साहब, ये अपेक्षा नहीं थी। इस तरीके का गंदा राजकरण नहीं होना चाहिए। अरे जब पैदा हुआ तो अल्लाह अकबर की अजान मेरे कान में भी गूंजी, मेरे परिवार के कान में भी अजान दी गई, एक अल्लाह एक रसूल एक कुरान को मानने वाले हम लोग भी हैं। लेकिन आप इस तरीके का भेदभाव अगर ये शहर के अंदर करना चाहते तो मुफ्ती इस्माइल साहब ये शहर के लिए अच्छा नहीं है, वो भी एक कुर्सी के लिए जो दो टके की कुर्सी नहीं है, उसके लिए आप इस तरीके का गंदा राजकरण करोगे, ये अपेक्षा नहीं थी मुफ्ती इस्माइल साहब आपसे, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ये शहर के अंदर जमीयत के नाम पर और पार्टी के नाम पर और खानदान के नाम पर अगर आप बांटने की कोशिश करेंगे तो मुफ्ती साहब ये अच्छा ये शहर का मुस्तकबिल के लिए नहीं है, ये शहर के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए नहीं है, यहाँ के मजहबी झगड़े के लिए मुस्तकबिल उसके लिए ठीक नहीं है, बिरादरीवाद के लिए ठीक नहीं है, काला और गोरे के लिए ठीक नहीं है, ये हमारा एक शहर एक ताकतवर शहर है, एक हिंदुस्तान के अंदर नाम रखता मस्जिद और मीनारों के शहर को तोड़ने की कोशिश मत करो मुफ्ती साहब। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ मुफ्ती साहब, जब तक बस ना वो भरी नहीं मेरे खाली है, 10 साल ये शहर में किया मुफ्ती साहब, पहले दिन में गुजिया भी किया, वो भी किया, 3 मेयर भी आपको किए, 3 डिप्टी मेयर भी दिए, स्टैंडिंग चेयरमैन भी शहर में दिया, आपके लिए दुआएं हुई, 2 मरतबा एमएलए बन गए, अब कितना कब काम करोगे, कब काम करोगे, आपको काम करना पड़ेगा मुफ्ती साहब, अच्छी बात नहीं है ये शहर के लिए। आज बाहलत मजबूरी में बोल रहा हूं और मैं आज शहर के तमाम उलमाओं से, तमाम ही बुजुर्गों से, तमाम ही मेरी मां बहनों से, तमाम ही नौजवान साथियों से, एक एक मासूम मासूम बच्चे से, एक एक उलमाओं से, मदरसे के बच्चों से, सभी मस्जिद की तंजीमों से,
सभी तंजीमों के उलमाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप फैसला कर लो कि शहर का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। आपको फैसला करना पड़ेगा। अगर ये शहर ने फैसला नहीं किया, सर जोड़कर नहीं बैठे, तो ये शहर को अपनी जाति मफाद के लिए कुछ लोग बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। अगर मैं ये आज हिम्मत और ताकत से बोल रहा तो मुझे मालूम है एक दिन मौत मुझे भी आनी है, एक दिन मुझे भी मौत आनी है। मैं किसी से डरता नहीं अल्लाह के सिवा। बहुत डराने की कोशिश हुई, बहुत जमबाजी की गई। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, खुले मंच से बोल रहा हूं, मीडिया के सामने बोल रहा हूं, स्क्रीन लगाकर बोल रहा हूं, ये शहर बर्बाद हो चुका है, बर्बाद। नौजवानों, ये शहर को संभाल लो, ये शहर को बचा लो। मुफ्ती इस्माइल साहब और जो हमारे मुखालिफ लोग, इन्होंने मिलकर दादा भूसे के साथ मिलकर ये शहर को लूट डाला है, लूट डाला है। शहर का भी जिम्मेदारी से आज ही संचार जमात करना ग्राउंड पर बोल रहा है, लूट डाला है। 200 करोड़ रुपए का टेंडर निकला, आपको पता है क्या? 200 करोड़ का टेंडर निकलता है, 60 करोड़ रुपया आपके जेब का पैसा, मेरे जेब का पैसा टैक्स का जाने वाला है, 140 करोड़ गवर्नमेंट से आने वाला है। दादा भूसे साहब ने टेंडर निकाला, हमारे हिस्से में कितना आया? 10 से 15 करोड़ भी दादा भूसे साहब ने दिया नहीं, 225 करोड़ रुपया उनके इलाके के अंदर लेकर चले गए और जो 15 करोड़ रुपया उनको बांट दिया गया और 60 करोड़ रुपया हमारा जा रहा है। इसका जवाब कौन देगा? मुफ्ती साहब, आप जिम्मेदार हो इस शहर को बर्बाद करने के लिए। 800 करोड़ रुपए के कर्जदार हम हो गए, 800 करोड़ रुपए के कर्जदार हम हो गए। ये कर्ज कैसे मिलेगा? हमारे ही टैक्स, हमारे कारखानों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा, हमारे ही घरों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा, हमारी दुकानों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर ये शहर को टैक्स भरना पड़ेगा, सिर्फ टैक्स भरना पड़ेगा, सहूलतें कुछ नहीं मिलेगी आपको। ये बात याद रखना, आप लोग मैं शहर के आवाम से बोलना चाहता हूं। जाइए आप अपने इलाकों से, जहां जहां से भी आप आए, जाकर अपने अपने इलाके देखिए कि वहां पर रास्ता है क्या, रोड है क्या, गटर है क्या, संडास है क्या, गार्डन है क्या, सहूलत है क्या, पानी है क्या, बोरिंग है क्या। जाकर सहूलतें नहीं है, लेकिन उधर तमाम ही सहूलत ये 2-2.5 सालों के अंदर जब से प्रशासक राज आया, ये मुफ्ती इस्माइल साहब ने दादा भूसे साहब से साठ गांठ करके ये शहर को बर्बाद किया अपने जाति मुफाद के लिए। और उनके साथ जो आज लोग घूम रहे हैं, जो उनके गठबंधन में है, ये भी उसके जिम्मेदार है। मैं पंटरों का नाम नहीं लेना चाहता, मैं पंटरों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये सब जिम्मेदार है। ये नौजवान, ये शहर की आवाम, आपको इस शहर को बचाना है। मेरा क्या होगा? कुछ नहीं, गिरा देंगे, लेकिन ये शहर का नुकसान होगा, ये शहर टूट जाएगा, गरीब टूट जाएगा, अमीर टूट जाएगा, बुनकर टूट जाएगा, ये शहर बर्बाद हो जाएगा, ये शहर बर्बाद हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं होगा, मैं घर जाऊंगा, बाल बच्चों में रहूंगा, कारोबार करूंगा, आराम से जिंदगी गुजार सकता हूं। लेकिन मेरे वालिद ने इंतकाल से पहले भी और मुझे तैयार किया था और कहा था कि अगर मैं मर भी गया तो ये शहर के गरीबों को छोड़ना मत, ये शहर को छोड़ना मत, इनका साथ देना है। इसके लिए आज इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो रहा हूं, आपको संभालने के लिए मैं खड़ा हो रहा हूं। मेरा क्या होगा? लेकिन आज आपको समझना है, मुफ्ती साहब आप गोली मारेंगे मैं तैयार हूं, कहां है वक्त बताओ, मार देना। अगर मेरे गोली, मैं मरने से, मुझे गोली लगने से अगर आपको एमएलए की चेयर मिलती है तो मुबारक हो, आप बता देना कहां पर आना, इंशाल्लाह ये शेख आसिफ आकर खड़ा रहेगा आपको बता दो, वक्त एड्रेस पता आप बताना, मारने के लिए तैयार हो, काय के लिए इलेक्शन करवा रहे हो, मार दे गोली। आपको सरकार ने लाइसेंस दिया, आपको मत कराओ, मत कराओ इलेक्शन,
लेकिन आप गलत कर रहे हो, अभी मार देंगे, नॉमिनेशन के बाद मारोगे जीत के आएंगे। नॉमिनेशन होने दो, विड्रॉल होने दो, उसके बाद मारेंगे। जब उम्मीदवार कम होंगे ना, अगर मुझे आज मार देंगे फिर एक आप खड़ा होंगे तो किसको किसको को नहीं मारोगे तुम? किसको? मुस्तकीम को मारोगे, शान को मारोगे, किसको मारोगे? मेरे भाई को मारेंगे जाके किसको? मार देना क्या होगा? इलेक्शन ही नहीं होगा, तुम तो चुन के आ जाओ। वन साइड भाई को 1.5 लाख की बात कर रहे हो, वन साइड मार देना। लेकिन ये शहर को बचाने की जिम्मेदारी दोस्तों आप लोगों की है। मैं दिलाऊंगा आजादी आपको, ये फिरका पुरस्कों से आजादी दिलाने का काम शेख आसिफ करेगा, ये नीतीश जाने से आजादी दिलाने का काम शेख आसिफ करेगा, जो हजूर की शान में गुस्ताखी करेगा मैं उनसे आपको आजादी दिलाने का काम करूंगा। असम्बली के अंदर जाकर ये शहर को आजादी चाहिए, ये शहर गुलामी की जिंदगी जी रहा है 2-2.5 सालों से, और ये अभी दादा भुसे के साथ मिलकर गुलाम बनाने का काम ये शहर के मेरे साहब ने किया, समझो। मुझे बताओ क्या कमी है? सोलार अगर मैंने मंजूर किया, 110 मसाजिद का मदरसे का सोलार सिस्टम अगर 5 करोड़ रुपया लाकर मैंने अगर मंजूर करवाया तो तुमको वो भी तकलीफ होगी? बताओ, मैंने तमामी मसले की गांव का वॉल कंपाउंड बनाया, जब भी आपको तकलीफ हुई? बताओ, अगर मैंने उर्दू घर बनाया तो भी तकलीफ हुई? फ्लाईओवर ब्रिज बनाया तो भी तकलीफ हुई? हज कमेटी बनी इस वक्त भी तकलीफ हुई? जितने तामीरी काम में जब तक आपको तकलीफ हुई ये जिम्मेदारी आपकी थी। ये तो मुफ्ती साहब आप बता दो कि मैंने फला फला मदरसे का 100x100 का वॉल कंपाउंड मंजूर किया, एक बता दो। चलो तुम आलिम होना, मुफ्ती होना, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? एक मदरसे का वॉल कंपाउंड नहीं बनाया आपने? संडास बाथरूम तक मेरे फंड से नहीं बनाया, वहां पर मदरसे के बच्चों को सहूलत नहीं दी, और आप बात करते हो? एक बताइए, आपने कहां काम किया हमको बताए, और कहां नहीं किया, और कहां पर डुप्लीकेट बिल निकला? थोड़ा रुकिए, इलेक्शन अभी बाकी है, अभी बहुत मटेरियल तुम्हारे आने वाले हैं बाहर, बहुत मटेरियल आएगा मुफ्ती इस्माइल साहब, बहुत मटेरियल आने वाला है। सर जिम्मेदारी थी कि नहीं मदरसे का वॉल कंपाउंड करना, संडास बाथरूम बनाना, उलमाओं को सहूलत देना, उलमाओं के लिए कुछ स्कीम लाना, मदरसे के बच्चों के लिए किताबें देना, कम से कम अरबी तुम लाइब्रेरी बना सकते थे उनके लिए, मैंने किताबें दी थी, आप मदरसे के बच्चों को लाइब्रेरी बनाते, शेख आसिफ तुम्हारा इस्तकबाल क्यों करता? उलमाओं से मैं बोलता हूँ, सोचिए आप कि आपके मदरसे के बच्चों को उन्होंने अरबी लाइब्रेरी बनाकर दी क्या, किताबें दी क्या, तीनों किताबें दी क्या, कि बड़ी लाइब्रेरी उन्होंने शहर में बनाई क्या, कि उलमाओं की वहां बुक्स रखी है, किताबें रखी है, कि हमारे बच्चे इस्लाम की कुर्बानियां याद करेंगे, पढ़ेंगे, एक लाइब्रेरी बताओ। लेकिन आपने वो भी नहीं किया, सिर्फ झूठ 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 की सियासत आपने 5 साल की और अभी तक आप करते आ रहे थे। ठीक है, मेरे वालिद गरीब थे, हमारा खानदान गरीब था, फटी कमीज पर आए, मेहनत की, मजदूरी की, आगे बढ़े, जिस हाल में भी यह किताब खुली है। मुफ्ती साहब, मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता हूं कि आप कौन सी हीरो अंडा पे घूमते थे, मैं ये नहीं आपसे सवाल करूंगा कि आप मौसम के कौन से फिगर के पास बनाने थे, मैं क्या किले वाले अच्छी तरह का जानते हैं? शुरू करूंगा तो मैं अहमदनगर तक चला जाऊंगा, क्या बात, करेडी तक चला जाऊंगा, जा सकता कहां कहां पर फिर सब माल फंसा है बता सकता? अब तुम्हारे का असर रसूख है, मेरे ऊपर ईडी की कार्रवाई करा लो, मेरे ऊपर सीबीआई की करा लो, मेरे ऊपर एनआईए की करा लो, तैयार हो, जेल जाने कौन डरा? मुफ्ती साहब, आपने हमेशा इस शहर के सियासी लोगों के बच्चों की कुर्बानियां ली, आपके बच्चों की कुर्बानियां कभी नहीं दी मुफ्ती साहब। आप बताओ, तुम्हारे बच्चों के ऊपर एक सादा एजेंसी हुआ क्या? सादा एजेंसी चैप्टर बनी क्या? जाकर
मालीवाल के बराबर तुम धरने में बैठे शेख आसिफ को अटक करो, इसको अटक करो, उसको अटक करो, इसके बच्चों पे करो, इसको बच्चे पे करो, ये बराबर करते लेकिन अपने बच्चों के ऊपर एक सादी एनसीबी नहीं बनने देते। जरा जेल भेजो, जब समझ में आएगा कितनी तकलीफ होती। लेकिन अल्लाह का करम है, शेख रशीद साहब ने हमको सिखा के गए कि अंदर क्या रहना, बाहर क्या रहना, कोई टेंशन नहीं ली, सब सीखे हमें। तुम डराओ मत, बोले खुशखबरी मिलने वाली है खीरा की मीटिंग में, दो लोग इनके घर के जाएंगे। अरे 8 दिन हो गए, मैं समझा 2 दिन में पुलिस आएगी, 3 दिन में आएगी, 4 दिन में आएगी, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, अरे आज 8वां दिन हो गया, पुलिस ही नहीं आई। कब भेज रहे, मैं भी इंतजार कर रहा हूं किसको तुम जेल में डालना चाहते। दोस्तों, मैं जब से प्रचार शुरू किया दो महीने से प्रचार शुरू किया, मैं एक बात बोल रहा, मास्टर स्ट्रोक बोल रहा हूं कि नहीं, मास्टर स्ट्रोक की बात बोल रहा हूं। मेरे साथी लोग से भी मैं माफी चाहता हूं, मैं इनको भी नहीं बता रहा हूं, ये भी परेशान है, लेकिन उनको इतना भरोसा है, आपको इतना भरोसा है कि जो भी मास्टर स्ट्रोक शेख आसिफ खेलेगा वो कामयाब होगा, इतना भरोसा है। लेकिन आप ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। आज कितनी तारीख है? 4 और 10 से 11 दिन इंतजार करो, सिर्फ 10 से 11 दिन। आपको डंडा भी दूंगा, झंडा भी दूंगा, और मास्टर स्ट्रोक भी दूंगा, फिर मास्टर स्ट्रोक बताऊंगा। और इसी तरीके से मंच भी होगा, उसी दिन मीडिया भी होगी, मराठी मीडिया को भी बुलाऊंगा, शहर को, आपको भी दावा दूंगा, सबके सामने मास्टर स्ट्रोक जब मारूंगा तो इंशाअल्लाह ये शहर और मेरे मुखालिफ भी जवाले। कोई फिकर उपर मत करो, पवेलियन के बाहर, पवेलियन के बाहर इंशाअल्लाह जाएगा, फिकर करो ना। लेकिन ये शेख आसिफ आपसे वादा कर रहा है आज कि आपको धोखा नहीं दूंगा, आपकी नुमाइंदगी करूंगा, बीजेपी के साथ नहीं बैठूंगा, फिरका परस्त पार्टियों के साथ नहीं बैठूंगा, आपका सौदा नहीं करूंगा, कौम के लिए लड़ूंगा, कुर्बानी देना मेरे को पसंद रहेगा, जेल जाना पसंद रहेगा, लेकिन आपका सौदा नहीं करूंगा, ये बात का वादा आज आपको दिला रहा हूं। मेरा साथ दीजिए, मैं तमाम लोगों को बोलता हूं, आइए, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती होगी, मेरे परिवार से हुआ होगा कोई गलती, तो मैं माफी मांगता हूं। आइए मुझे समझिए, आइए मेरे करीब आइए, आइए बुनकर भाई आप भी करीब आइए, आइए मजदूर भाई आप भी करीब आइए, आइए मेरी माँ बहने भी करीब आइए, मेरे बुजुर्ग भी आइए, एक मौका मुझे ले, एक मौका आप दे दो 5 साल के लिए, ये शहर का काया पलटने का काम आपकी दुआओं से, मेरी माँ बहनों की दुआओं से, मेरे नौजवान साथियों की दुआओं से इंशाअल्लाह मैं इसको पूरा निभाने की कोशिश करूंगा, और कोई भेदभाव नहीं करते हुए सबको साथ लेकर चलूंगा। ये वादा आज मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपसे करता हूं। दोस्तों, एक छोटे मुझे दे दो शहर की आवाम। मुफ्ती साहब ने कहा या किसी ने कहा कि यतीम वाली बात उन्होंने इंटरव्यू में कही, हाँ मैं यतीम हूं, हाँ मेरे वालिद नहीं है इंतकाल कर गए, हाँ मेरी वालदा नहीं है इंतकाल कर गई, हाँ मेरे चाचा 3 चाचा इंतकाल कर गए, हाँ मैं यतीम हूं, लेकिन यतीमों के सर पर हार फेरने के लिए ये 7 लाख की आबादी है, यतीम जो मैं हाथ रखेंगे लिए और इनकी गुआओं से इंशाल्लाह असेंबली में पहुंचूंगा, और ये शहर की भी और ये महाराष्ट्र की भी नुमाइंदगी करूंगा। मैं आज को आपको कसम खाकर बोलता हूं दोस्तों, मुझे यतीम बोला गया चलेगा, जो जो बोलना बोलिए, सब माफ, मैं सब माफ कर दूंगा, बोलिए मुझे जो बोलना है, मेरे परिवार को बोलिए, तनकीद करिए, जो आपको करना है मैं तैयार हूं, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं आपका एहतराम करता हूं और करता रहूंगा, उलमाओं का एहतराम करता
करता, शहर के तमामी मसलक का इत्राम करता, तमामी उलमाओं का इत्राम करता, तमामी बिरादरी का, तमामी मसलक का, तमामी नौजवानों का, तमामी बुजुर्गों का, तमामी माँ बहनों का मैं इत्राम करता और करता रहूंगा। ये शहर मेरे लिए अजीज है, कुर्सी मेरे लिए अजीज नहीं है, ये शहर के आवाम मेरे लिए अजीज है। मैं ये वादा करता हूँ सोचिए, पांच साल पहले हमने किसको वोट दिया, वो शख्स ने पांच साल में क्या किया। नौजवान भी सोचिए, आप भी सोचिए, शहर सोचिए कि हम कहां पर भटक गए, कहां भटकाया जा रहा है, किस रास्ते पर ले जाया जा रहा है। ये संजीदगी से ये शहर को आप सोचना पड़ेगा, बंद हो आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, शहर को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये शहर के नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये शहर को गलत रास्ता बताने की कोशिश की जा रही है। मैं बुजुर्गों से कहूंगा कि आपके नौजवान जो है वो उन लोगों को भी भटकाने के लिए गलत रास्ते पर ले जाने का काम ये शहर में हो रहा है, तोड़ने का काम, लड़ाने का काम हो रहा है, बदनाम करने का काम हो रहा है। आप अपने बच्चों को भी संभालिए, उनका भी मुस्तकबिल बनाने का सोचिए और आप भी इत्मीनान से सोचिए। शेख आसिफ गलत है, चौराहे के ऊपर आऊंगा, गलसी पकड़ के, कालर पकड़ के पूछना कि तूने गलत बोला, मैं माफी मांगूंगा, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, दिख रहा है बोल रहा हूँ, समझ रहा है बोल रहा हूँ, शहर के हालात कहा जा रहे हैं समझ रहा है मुझको। फिरका परस्ती बढ़ रही है, मजीद बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, ये तमाम ही चीजें कौन संभालेगा, ये तो हाथ उड़ाने ले, ये कौन सी बात, एक नौजवान के साथ भी खड़े रहे ये शहर के लिए हाथ उठाएंगे। बकरीद का टाइम आता, ये चले जाते, जाना चाहिए, अल्लाह उनका हज कबूल करे, मुझे उससे कोई बात नहीं है, कम से कम प्रशासन की मीटिंग लेकर जाना, बोलते एक दिन कुर्बानी बढ़ा लो, ये कौन सी बात, समक शहर वालों को बोले एक दिन बढ़ा लो। इस तरीके का एमएलए इस शहर को मिला, समझना चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमारे भी फराइज है, हमारी भी शरीयत है, हमारा भी दीन है, हम भी इस्लाम को मानने वाले हैं, हम दीन को मानने वाले हैं, एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले हैं, हुजूर की तालीमात हमारे अपने पास है, कुरान ने हमको सिखाया है, रास्ता बताया है, ये तमाम चीजें हम समझेंगे, उसमें कंप्रोमाइज। अगर मेरा जैसा आदमी या कोई सियासी आदमी बोले तो हम मान ले, एक आलिम और एक मुफ्ती इस तरीके की बातें करते हैं, एक दिन आगे बढ़ा लो, अरे उनको बोलते उधर नहीं इधर आके कुर्बानी कर लो, मैं मेरे नजर बोलता मेरे घर की गली के अंदर आके कर लो कुर्बानी, क्या होता है, बोले एक दिन आगे बढ़ा लो, अरे कोई बात नहीं, कोई आपा पा का खेल है। तो ये तमाम ही चीजें इस शहर को समझना है। आज मुझे दिल खोल कर बोलना थी, सियासत होते रहेगी, चलता रहेगा, इलेक्शन आएगा, हार और जीत होगी, लेकिन कब तक मैं नहीं बोलूं, कब तक मैं आपको नहीं समझाऊ, कब मैं आपके लिए घर रुकता रहूं, ये शहर का नुकसान होते जा रहा। आप देखना, हम लोगों को बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त होता। अभी आपको समझना है, शहर को समझना है, अगर नहीं समझे नौजवानों शहर बर्बाद हो जाएगा। बहरहाल मैं जितनी बातें बोलना था, हो सकता जाने अनजाने में मुझसे तकरीर में गलती हुई तो अल्लाह वास्ते माफ करना, लेकिन मैं आप लोगों से बोलता हूँ, आने वाला मुस्तकबिल ये शहर का अपना है, ये शहर को एक मजबूत क्यादत की जरूरत है और मैं आपके लिए मजबूत क्यादत खड़ा हूँ आपके सामने, आप मुझे असेंबली में पहुंचाइए और उसके बाद देखिए आप। बहरहाल वीडियो देख कर जाइए नौजवान, आप लोग ऐसे बैठे हैं।